ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान को नामजद किया है। ये फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर के रहमान खान के बेटे हैं और बेंगलुरु सेंट्रल से ये बीजेपी के रुकन बीजेपी के कैंडिडेट पीसी मोहन के खिलाफ नामजद किए गए हैं। मंसूर अली खान लगातार कांग्रेस कमेटी में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, जिनमें से तेलंगाना के 2023 के असेंबली इंतखाबात हैं, जिसकी कामयाबी के बाद हाई कमान ने उनकी शराकत और लोगों के साथ उनके ताल्लुक को देखते हुए बेंगलुरु सेंट्रल से उनको टिकट देकर नामजद किया है। इसी तरह से 2022 में भी गोवा के वो ऑब्जर्वर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा के खजांची भी हैं बेंगलुरु में एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 10 स्कूलों की निगरानी करता है। साथ ही दिल्ली पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान में से एक हैं। वो जरूरतमंदों के मेडिकल जरूरतों की माली मदद में भी शामिल रहे और वबाई अमराज के दौरान सेहत की देखभाल की जरूरियात में फराख दिली से हिस्सा लिया। ये उनका सियासी कैरियर ही नहीं बल्कि समाज में वो एक अहम और एक्टिव रुकन के तौर पर भी खिदमात करते रहे हैं, जिनमें से अनुभव शिक्षा केंद्र, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और खाना फराहम किया जाता है, इसमें भी वो अपने काम को लेकर के खिदमात करते रहे हैं।